बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं एक खुशखबरी के बारे में, जिसके पाकिस्तानी बहुत देर से मुंतज़र थे। वो खुशखबरी है यूएई का विज़िट वीज़ा, जो कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ अरसा से बंद हो गया था। गो के इंडिया बाकी ममालिक के तो लग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की अपने ही चाल चलन के लिहाज से कह लें कि वो वीज़े बंद हो गए थे। यूएई की गवर्नमेंट ने अब वो वीज़े फिर से विज़िट वीज़ा पाकिस्तान के लिए ओपन कर दिया है, लेकिन कुछ शरायतों ज़वाबित के साथ। वो क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, और किस तरह अप्लाई करना है वो साइट भी आपको बता दूँगा, इवन कि आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। कुछ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान का वीज़ा 18 साल से लेके 40 साल तक बैन कर दिया था, जो कि अब भी है तो बैन, लेकिन इसमें रिलीफ दिया है यूएई की गवर्नमेंट ने। वीज़ा लग जाता है वो किस तरह लगता है कि आप 18 साल से 40 साल तक तो वीज़ा बंद है, अगर आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका 100% वीज़ा लग जाएगा। विजिट वीज़ा 60 दिन का या 30 दिन का लग रहा है। वीज़ा लगने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है आपका एक पासपोर्ट जिसकी एक्सपायरी 6 मंथ रहती हो, अभी उसका फर्स्ट और सेकंड पेज वो स्कैन करके, एक आपका जो CNIC कार्ड है उसकी फर्स्ट और बैक साइड, फ्रंट और बैक साइड CNIC की वो स्कैन करके, और एक आपकी पिक चाहिए होगी पासपोर्ट साइज की, बैकग्राउंड वाइट हो वो आपकी पिक्चर चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा मेन मकसद है कि हमने तो वहाँ जाके जॉब ढूंढनी है, तो क्या ये वीज़ा टू वर्क परमिट में तब्दील हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अभी भी उसी तरह हो जाता है। आप विज़िट पे जाओ, जाके कोई काम ढूंढो, वर्क आपको कोई कंपनी अगर देती है वर्क परमिट, तो आपका ये विज़िट वीज़ा इसका मैनी चेंज हो जाएगा वर्क परमिट में। विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। अगर आप विज़िट वीज़ा ले करके वहाँ जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप दुबई सिटी में स्टे करो। गो के दुबई सिटी बाकी यूएई से, इवन शारजा वगैरह से बहुत डबल कॉस्टली है। इवन के जो आपको रूम शारजा में 400-500 दिरहम में मिलता है, वो दुबई में रूम आपको 1000 दिरहम में मिलेगा, लेकिन आपके जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा जॉब के दुबई में ही हैं। इवन के जो लोग शारजा में जिन्होंने स्टे किया हुआ है या रूम लिए हुए हैं, वो भी मोर देन 80% जॉब दुबई में ही जाके करते हैं। तो आपने तो जाना ही फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए है, तो आप दुबई में आपका स्टे होगा, आप वहाँ पे अपनी CV डोर टू डोर ड्रॉप करो, इंटरव्यू दो, ATS फ्रेंडली CV होनी चाहिए आपके पास।